नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। जनपद बांदा के विभिन्न चौक चौराहों पर आज RTO के प्रवर्तन दल के द्वारा स्कूलों में मानक के विपरीत संचालित वाहनों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। शासन के निर्देश के बाद बांदा PTO राम सुमीर यादव के नेतृत्व में शहर के निजी स्कूलों के इर्द गिर्द वाहनों की चेकिंग की गयी। मानक के विपरीत मिले वाहनों पर कार्रवाई की गयी। बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जा रहे ई रिक्शा और टेम्पो को पकड़कर उनके चालान किए गए। बसों में लगे CCTV कैमरे चेक किए गए। वहीं कई वाहनों को सीज भी किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को सुरक्षा के मानक के पूरे इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए। जनपद बांदा से ब्यूरो चीफ नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। स्कूली वाहनों के विरुद्ध 4 से 6 3 दिन का स्पेशल अभियान है। उसी के अंतर्गत शहर के विभिन्न चौराहों पे या जो भी स्कूल हैं उनकी बसें गुजरती हैं, सभी मार्गों पे हम लोगों ने चेकिंग किया है और चेकिंग सभी बसों की लगभग कर रहे हैं। और जो भी उनके मानक के अनुरूप नहीं पाए जा रहे हैं उन वाहनों के चालान किए जा रहे हैं, बंद भी किए जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 4 गाड़ियां बंद भी की हैं। आज कितनी गाड़ियां चेकिंग हुई? आज गाड़ियां 70 से 80 गाड़ियों को चेक किया है मैंने। सर, यह अभियान कब से कब तक चलेगा? ये 4 से 6 तक है, कल तक है ये अभियान। अब तक कितने वाहनों पर चालान किए जा चुके हैं? करीब 15-20 वाहनों के चालान किए हैं। 5 वाहनें बंद भी हुई हैं, सीज भी की गई है। क्या क्या कमियां पाई गई थी वाहनों पर? मुख्य तौर पर किसी का गाड़ी का फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, विदाउट परमिट चल रही है, या कोई ऐसी गाड़ी है जो प्राइवेट गाड़ी है स्कूल में चल रही है, स्कूल के वाहन के मानक के अनुरूप नहीं है, ऐसे वाहनों को जो है हमने सीज किए हैं। और जो ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बांध रहे हैं उनकी भी चालान हमने किया है। तो जो स्कूल वाहनों के स्पेशल मानक हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसमें बड़ी बसों के लिए 28 बिंदु है, छोटी है जो मैजिक वगैरह है 14 बिंदुओं पर जाँच की जाती है। तो जो भी मानक के अनुरूप नहीं है उनके चालान करते हैं, सीज करते हैं और उन्हीं वाहनों की स्पेशल चेकिंग चल रही है इस समय।